गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैंने आपको सहर्ष स्वीकारा है कविता का पहला अंश पढ़ा था। अब आपसे आगे का देखिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि उसका पूरा जीवन पूरी तरह से अपने प्रिय से, जो उसका अज्ञात प्रिय है ना, उससे चारों ओर से आच्छादित है, मतलब ढका हुआ है, या अपने अज्ञात प्रिय का प्रेम उस पर छाया हुआ है, ये कह सकते हैं। तो इन पंक्तियों का मतलब देखिए, कवि कहना चाहता है कि उसके चारों तरफ परिवेष्टित माने चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित का मतलब होता है छाया हुआ या ढका हुआ। कि कवि कहता है कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोहर उजाला छा गया है। वैसे समझ लीजिए, कवि कहना चाहता है कि उसके चारों तरफ उसके अज्ञात प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजाला छा गया है। रमणीय माने मनोरम, सुंदर, और उजेला माने उजाला या प्रकाश। लेकिन अब इस स्नेह का और प्रेम का और आत्मीयता का उजालापन उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह पंक्ति सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का, आत्मीयता का उजालापन उससे बर्दाश्त नहीं होता, वह इसे सहने में स्वयं को असमर्थ मान रहा है। अब उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगली पंक्ति देखिए। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, पिराती का मतलब होता है दर्द करती है। जो गांव के लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि भाई बहुत पीरा पीरा, और ये पीरा हम बोलते हैं पीड़ा, ठीक है। तो पिराती माने दर्द करती है। अक्षम का अर्थ होता है असमर्थ। और आगे की पंक्तियां देखिए। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता कहते हैं भविष्य की आशंका, भविष्य में होने वाला डर। और बहलाती का मतलब होता है प्रसन्न करना, सहलाती का मतलब होता है दर्द कम करना, आत्मीयता होता है अपनापन, बर्दाश्त करना माने सहन करना। तो उसके प्रिय की कोमल भावनाएं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। और इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता के कारण उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, और अब वह कठोरता और कठिनाई को सहन करने में असमर्थ है। तो कवि की दिल में या कवि के हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है। ध्यान से सुने, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, कि कवि की छाती में या उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है कि आगे क्या होगा। डर है उसको एक भविष्य का, कि उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। एक तरह तो बिछड़ना भी चाह रहा है उस अज्ञात प्रेम प्रिय से अपने, और उसे भविष्य की आशंकाएं भी डरा रही हैं। तो कवि जो है
वह ये कह रहा है कि उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनके उसके भीतर ही मंडराती रहती हैं, उसे दुख देती रहती हैं। इस अथाह स्नेह प्रेम ममता कोमलता आत्मीयता के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा जो है बहुत कमजोर हो गई है, बहुत अंदर से दुर्बल हो गया है, वो कमजोर हो गया है। और अब ये वह कठोरता और कठिनाई को सहन करने में असमर्थ है, अब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। तो कवि की छाती में उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट सी है कि उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता और स्नेह प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, और भविष्य की आशंकाएं उसे डराती रहती हैं कि आगे क्या होगा। तो इसलिए अब कवि को अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह और कोमलता बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है और ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ अंधकार ही अंधकार हो, कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके, ये चाह रहा है। वह अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त, जो उसके चारों तरफ छाया हुआ है, अपने अज्ञात प्रिय की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से, जो अभी तक उसकी सुरक्षा कर रही थी, उसका अज्ञात जो प्रिय है उसकी अज्ञात, वह उसकी सुरक्षा कर रही थी, उन कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है, मतलब उसके उससे मुक्त होना चाहता है।